उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस रेल हादसे में अब तक 230 से अधिक लोगों की जान चली गई और 900 से अधिक लोग घायल हो गए। इस रेल हादसे की वजह के पीछे क्या कारण है अभी स्पष्ट नहीं है। जांच कमेटी बनाई जा चुकी है। 12,864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बाहनगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे 12,841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिसमें मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। अब इतने बड़े हादसे को लेकर कई तरह की आशंका जताई जा रही है। जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक असली गुनहगार को पकड़ना मुश्किल है। तो कैसे आ जाती है एक ही पटरी पर दो ट्रेनें, आइए जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारत का रेल नेटवर्क है। इसके परिचालन में हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, फिर भी दो ट्रेन कैसे एक ही टाइम में एक ही पटरी पर आ जाती है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी दो वजह हो सकती हैं, एक मानवीय भूल और दूसरी तकनीकी खराबी। ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसे को लेकर तकनीकी खराबी माना जा रहा है। सिग्नल में खराबी आने की वजह से दो ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई और भीषण टक्कर हो गई। रेलवे के जानकारों का कहना है कि ट्रेन के परिचालन रेलवे के कंट्रोल रूम से कंट्रोल होता है। कौन सी ट्रेन किस पटरी से होकर गुजरेगी रेलवे के ट्रैफिक कंट्रोल रूम से यह निर्देश दिया जाता है और सिग्नल कंट्रोल करने वाले पटरियों को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। हो सकता है ओडिशा में ट्रेन हादसे में तकनीकी खराबी की वजह से पटरियां एडजस्ट नहीं हो पाई। हालांकि कंट्रोल रूम में डिस्प्ले में सब कुछ दिखता रहता है कौन सी ट्रेन किस पटरी से गुजर रही है। अगर किसी पटरी पर कोई ट्रेन चल रही है तो डिस्प्ले पर लाल लाइट दिखाई देती है खाली पटरी के लिए या ग्रीन लाइट दिखाई देती है। हो सकता है कि इसका सही सिग्नल दिखाई नहीं दिया हो और जिसकी वजह से यह हादसा हुआ हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।